आज तो तू इस गली में आ गया है। आज के बाद इस गली में दोबारा कदम रखा तो मैं सिर्फ वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखूंगा, समझे? चल जाए, दबाओ जाए यहां से। क्या देख रहा है? दबाओ जाए यहां से। नूर, तेरी इतनी जुर्रत हो गई है कि तू एक गैर मर्द, वो भी गैर मुस्लिम, उसके साथ गलियों बाजारों में मेरी इज्जत को उछालती हुई घर आई है। वो ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, वो तो बस मुझे थोड़ी देर हो गई थी तो घर तक छोड़ने आए थे। बकवास बंद कर। एक तो गुनाह करती है, ऊपर से सफाइयां दे रही है। अब्बू माफ कर दे मुझे अब्बू, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे किन कामों और किन बातों से नफरत है। तू वही करती है और जानबूझ के करती है, मुझे पता है। तेरी माँ की भी यही करतूतें थी। अब्बू प्लीज, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। देख नूर, मुझे सच सच बता दे कि तू क्यों उसके साथ अकेली आई थी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब्बू बस कर दे, बस। आपको शर्म मानी चाहिए अपनी बेटी के तौर पे इस तरह शक करते हुए। बस उसकी बहन को देखने गई थी, बस और कुछ नहीं। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਭਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਰਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੋਂ ਪੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब मेरे साथ भी हो। चल बस कर मेरा वीर, बस कर। ये मेरी गल मान ले, ओदा ख्याल दिल विचो काट दे। कुछ मैं कोशिश करूंगा यार, ये पहली मोहब्बत है। इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी आसानी से भुला नहीं सकता। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, बस आप थोड़ा सा खुश रहा करें। डॉक्टर साहब, इनको माजी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है?
कभी कभी कोई बहुत बड़ा सदमा इंसान को ट्रोमा में लेके जाता है। इंसान को सब कुछ याद तो होता है लेकिन उसके असरात इतने गहरे होते हैं कि वक्ती तौर पर उसके जहन पर वही रहते हैं और कुछ नहीं याद रहता। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है लेकिन इलाज उसी सूरत में है कि इनको इनके माजी के साथ जुड़ा रखा जाए। जितनी ज़्यादा ये अपने माजी से मुतलिक चीज़ें देखेंगी उतनी जल्दी इनकी रिकवरी हो सकेगी। वैसे मैंने इनको मेडिसिन दी है, इनको जल्द इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो आप मुझे इजाज़त दे दें। क्या मसला है, क्यों फोन कर रहे हो मुझे? बानी, I'm sorry. I'm really sorry, बानी. मैंने पता है मैं तेरे नाल जो भी कीता गलत कीता है, उसलिए मैं ते तो माफी मांगा। I'm really sorry. Baby, seriously, I can't live without you. Just shut up. आइंदा मुझे फोन मत करना। बानी, मैं बस तेनू एथू लेके जाऊंगा बस। डैड ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में, जाओ ना जाओ। I don't care. Go to hell. बानी, 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 गल, बानी। सारा प्लान चौपट कर देता है। स्टुपिड। थैंक्स अमर, ने मेरी जिंदगी बदल दी। अमर कैसे हैं? सर, मैं तो ठीक हूँ। छोटी का क्या हाल है? तो आप बताएंगे ना डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट्स के लिए मैं रिपोर्ट सारी क्लियर है। मैं जैसे सोच रहा था ना वैसा कुछ भी नहीं है। बस गिरने की वजह से सर में मामूली सा फ्रैक्चर है, मेडिसिन से क्लियर हो जाएगा। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेक श्योर उसके सर पर कोई चोट ना लगे और ना ही उसे कोई गहरा सदमा मिले, वरना मामला सीरियस भी हो सकता है। डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं तारा का अपने आप से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आप परेशान मत। मैं फिर आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी मेरी। इंशाल्लाह बिल्कुल, आप डॉट वरी। के लिए अबू चाय। अच्छा बेटा, नूर बेटा बैठो, तुमसे एक बात करूँ। नूर बेटा, कल अहमद चौधरी ने मुझे अपने डेरे पे बुलवाया था, अपने वाले साहब का पैगाम दिया है उसने। वो दोनों चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन अबू, मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं है। तो बेटा तुम उसकी फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारी फूफो को बुलवाया है, बस दो चार दिन में वो आ जाएंगी और खुद ही सब कुछ कर लेंगे। मगर अबू, इतनी भी क्या जल्दी है अभी शादी की? बेटा अब देखो ना, शादी होनी तो है ना, चंद दिनों में हो या चंद सालों में। बेटी अपने घर को जितनी जल्दी रुखसत हो जाए उतना ही अच्छा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। छोटे चौधरी साहब, आप इतनी सवेरे सवेरे? जी हाजी साहब, अब्बू जी ने भेजा है कि नूर को ले आओ, उन्होंने जेवर दिलवाना है इसको। वो तो ठीक है लेकिन हाजी साहब, दिन कम है और काम ज्यादा, इसलिए अब्बू जी चाहते हैं जल्द अज जल्द सारे काम हो जाए। लेकिन चौधरी सरवर साहब ने मुझे तो फोन नहीं किया। मुझे जो भेज दिया, जल्दी करें, देर हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम तैयार होकर आओ। अब बैठे उतनी देर तैयार होती है।
रूपानी जी आइए ना, आप खड़ी क्यों है बैठी? थैंक यू। मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? घर आए हुए मेहमानों से कम मिलते तो है ना, कितनी बुरी बात है। यस, आई एम सॉरी। दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, सो दैट्स व्हाई। क्यों, क्या हुआ आपकी तबीयत को? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी थकावट है। I'm okay. अच्छा, एक काम था मुझे आपसे। हाँ, हुकुम कीजिए। देखिए वाणी जी, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों के लिए अमर सिंह की जान भी अफजल। फिलहाल तो आपकी जान नहीं चाहिए, आपका साथ और आपकी तवज्जो चाहिए। ऐसी बात है तो फिर मुझे चूड़ियां लेनी है। Really? Sorry, sorry, but that's great. Good changing girl. लेकिन ये चेंज आया कैसे? ये चेंज सिर्फ आपकी वजह से। So it's an honor for me. थैंक यू। अच्छा ना, अब एक्टिंग मत करें, चले ना मेरे साथ। चूड़ियां ले लें, चले चलिए चले। Come on. अपने दिल से मेरे लिए बुरे ख्याल निकाल लो, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं। नजर आती है आपकी मोहब्बत आपकी आंखों। तुम्हें कुछ खास जरूर है जो मैं तुम्हारा दीवाना बनाऊं। क्या करूं, आलिया को यहां से कैसे निकालूं? अगर इसको यहां से निकालने में कामयाब हो गई तो इसको सब कुछ याद आ जाएगा। अरे बाबूजी, आपने यहाँ आने की तकलीफ नहीं की, आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता आपके पास। कोई बात नहीं पुत्र, वैसे बात क्या है, आजकल तू इतना उदास क्यों? उदास? मैं? ऐसा हो नहीं सकता बाबू जी, आपको ऐसे ही लग रहा है। चलिया,
ओए तू इतना सा था, उस वक्त से तेरी दर्द और तकलीफ बगैर कहे मैं महसूस कर सकता हूँ, अब नहीं करूँगा क्या? चल छेती बता क्या बात है, मैं तो बुलाऊँ मैं फिर चित्र। बता अबू जी, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सोचना कुछ और था लेकिन बोल कुछ और था, जो मेरे जुबान में है मेरे दिल में, जो मेरे दिल में मेरे जुबान में, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे हीरो ने इश्क हो गया। इश्क? नहीं, इश्क इश्क नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ऐसी बात मत कर, चल जब तुझे लगे ना तो फिर मुझे बता दे, पर एक बात याद रखी, तेरा बापू हर तरह से तेरे साथ। वैसे हूँ गुरु दी, मुझे अपने पुत्र की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं। शुक्रिया बाबू। जज्बात इतनी जल्दी बदल जाएंगे सोचा नहीं था। अभी दो दिनों पहले तक तो गुरमीत ख्यालों पे छाया हुआ था, लेकिन अब लगता है कि दिल के मौसम का हाल कुछ अलग है। ये क्या बात हुई सर? तो और क्या बात है सर? मुझे लगता है कि मुझे गुरमीत से प्यार था ही नहीं कभी, सिर्फ मेरी एक जिद बन गया था और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी यही जिद कहीं तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद कर रही थी, बट थैंक गॉड कि तुम्हें अकल आ गई। सिर्फ अब आप बार बार एक ही बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मेरी जान मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये तुम्हारी नेचर है, हर इंसान की नेचर तो नहीं बदल सकती ना। और अगर अब कोई तुम्हारी जिद बन गया तो? नो सिस, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार यह जिद नहीं है, दिल आ गया है किसी पर। अच्छा? जी हाँ, आपको पता है वो बहुत डिफरेंट है, उसकी आंखों में उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई है। ओह, तो हमारी प्यारी सी डॉल को मिस्टर अमर सिंह पसंद आ गए, कि वही है ना जो आपके ख्यालों में छाए हैं, आपके दिल में बस गए और आपके दिल के छोटे से कैद खाने में अब कैद हो चुके हैं। हाय, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मीटिंग में बिजी रहा। तो कैसी रही फिर मीटिंग? It was amazing. Are you sure Ahmed तुम लाहौर में नहीं हो? Come on यार, तुम मुझ पर शक क्यों करती रहती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वापस कब आ रहे हो? 1 week. Okay. Thank you.
तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? आलिया, जहाँ हमें पहले जाना चाहिए था। कहाँ? अपने घर। हमने आज रात मंगनी की तैयारी कर ली है अजय, तू ऐसा करके अपनी बेटी को भी यहीं ले आ, और अगर किसी रिश्तेदार को भी बुलाना है तो बुला ले। यहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है चौधरी साहब, और अगर होता भी तो मैं उन्हें बुलाना नहीं चाहता। तो बस फिर ठीक है, तू जा और अपनी तैयारी कर, हम भी यहां अपनी तैयारी करते हैं। जो हुक्म चौधरी साहब। आखिर आपने इसको अना का मसला क्यों बना लिया? हमारे साथ हवेली चलें, आपका अपना घर है वो। मैं मर जाऊंगी मगर वहां कदम नहीं रखूंगी। दादी, आज मेरी मंगनी है। मैं तुम्हें दुआएं तो दे सकती हूँ मगर वहां नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपना बेटा और इसको अपना पोता नहीं समझते। अगर ना समझती तो कभी भी तुमसे ना मिलती। जिद मत करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आए आप वैसा करें, लेकिन यह आप अच्छा नहीं कर रहे। गई तुम्हारी समीर और चौधरा हटमुकर, सब खत्म हो गया। तुम्हारी अना और सिद्ध सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा जहर खून में शामिल हो गया। सब तुम जैसे हैं। मैंने तुम्हें बर्बाद होते हुए तो देख लिया मगर इन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती, क्योंकि इनकी बर्बादी मुझे नजर आ रही है।
गरूर और तकब्बर। अल्लाह की अदाब को आवाज दे रहा है, सब नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। ओए, ऐ की कहंदा पे? हाँ यार, मुझे उससे मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हो गई है। यही बात मुझे अंदर ही अंदर मार रही है कि मैं एक सिख हूं, मुस्लिम। ओए वीरे, तू ऐ गल ना मेरे नाल कीती आ, किसी होर नाल ना करे, एवी कोई इश्यू बन जाओ। नहीं यार रमेश, मेरा दोस्त है, भाई है, यार है यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चल तू बता क्या करूं। वीरे, जिन्ना मैं तेनू जानना, ए गल जदों तक तेरे दिल विच रहेगी ना, तू तड़पदा रहे, मेरी गल मन, ओनू दस दे, वो समझदार कुड़िया तेरी गल नू समझेगी। रमेश, क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ वीरे, एंजी होगा, नहीं तो तेरे दिल नू सकून तो मिलूगा कि तू गल कीती आ। सही कह रहा है।
कैसे भूल सकती हूँ, मेरा बेटा इधर ही गिरा था। ढूंढोगे मेरे बेटे को? मैं खुदा का वास्ता मेरे बेटे को तलाश कर दो, मेरे बेटे को, मेरे अब्दुल्ला को। माँ जी आप बेफिक्र हो, हम ढूंढेंगे आपके बेटे, हम मिलवाएंगे आपके बेटे। नूर बेटा। अबू आपा जल्दी घर आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। लेकिन अबू कहाँ? चौधरी सरवर की हवेली। वहाँ क्यों? वहाँ क्यों मेरे भाई, आज रात तुम्हारी अहमद के साथ मंगनी है। लेकिन अबू उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हमें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अहमद के नाम की मंगनी की अंगूठी पहननी है, बस तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनो। अबू मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मैंने कह दिया है कि हम अभी निकल रहे हैं तो अभी निकल रहे हैं। अच्छा सा जोड़ा पहनना कोई। साथ ऐसा नहीं कर सकते अहमद, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का हाजी साहब। शफीक जी सरकार, हाजी साहब को मेहमान खाने ले जाओ। चलो नूर बेटा। नूर नहीं जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर मेरी दुल्हन है, इसे अच्छी तरह से तैयार होना होगा। जी मैडम को ले जाओ और अच्छी तरह से तैयार करो। जाओ बेटा जाओ। मेहरबानी।